हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। स्टूडेंट्स, आज हम आपसे बात करने वाले हैं सीयूटी एग्जाम पैटर्न के बारे में, साथ ही साथ में स्टूडेंट्स उसके सिलेबस के बारे में। तो यदि स्टूडेंट्स आप एग्रीकल्चर के बच्चे हैं, या स्टूडेंट्स आप बायोलॉजी के बच्चे हैं, या स्टूडेंट्स आपका ट्वेल्थ में मैथ सब्जेक्ट रहा हो, या स्टूडेंट्स आपका कॉमर्स सब्जेक्ट रहा हो, या स्टूडेंट्स आप लोगों का आर्ट सब्जेक्ट रहा हो, आप सभी स्टूडेंट्स सीयूटी के एग्जाम दे सकते हैं। बस स्टूडेंट्स आप लोगों के सब्जेक्ट सिलेक्शन की जो प्रोसेस है वो अलग अलग होगी। यदि स्टूडेंट्स आप आर्ट्स के हैं तो स्टूडेंट्स आपके जो सब्जेक्ट हैं उसमें स्टूडेंट्स तीन सब्जेक्ट आपको मेन रखना होगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, तीन सब्जेक्ट आपके मेन रहेंगे जिसमें स्टूडेंट्स आपको 50, 50 और 50। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपको 50, 50 क्वेश्चन अपने मेन सब्जेक्ट से मिलेंगे जो आप सिलेक्ट करते हैं। इसके साथ ही साथ में स्टूडेंट्स आप यूनिवर्सिटी के हिसाब से या तो स्टूडेंट्स हिंदी भी सिलेक्ट कर सकते हैं सब्जेक्ट में, ठीक है। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जब आप फॉर्म भरते हैं, सीयूटी का फॉर्म भरते हैं, उस समय स्टूडेंट्स वो डिमांड करता है कि ठीक है एक पर्टिकुलर जो यूनिवर्सिटी होगी उसके लिए क्या क्या सब्जेक्ट आपको रिक्वायरमेंट है। जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया, या स्टूडेंट्स आपका DU हो गया, या कोई भी यूनिवर्सिटी हो गई स्टूडेंट, उसके लिए भी आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको ऑप्शन में देगा कि हिंदी कंपलसरी भरना पड़ेगा, ठीक है, इंग्लिश आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। या कुछ यूनिवर्सिटीज़ बोलेंगी कि भाई हमें सिर्फ आपके तीन ही मेन सब्जेक्ट चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, या स्टूडेंट्स आपसे बोलेगा कि भैया इसमें ठीक है कंप्यूटर भी भर दो, तो स्टूडेंट्स वो डिमांड करता है। यदि स्टूडेंट्स आप इन सब्जेक्ट पर भी ठीक है वीडियो देखना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स हमारा ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, आप स्टूडेंट्स हमारे वीडियो के लास्ट में एंड में या स्टूडेंट्स हमारी प्लेलिस्ट पर भी जाकर सीयूटी की देख सकते हैं, आपको स्टूडेंट्स टोटल जानकारी मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स मेन तो आपके तीन सब्जेक्ट होते हैं जिन्हें हम लोग डोमेन सब्जेक्ट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यदि हम बात करें कि भैया यदि हम किसके हैं, PCB के स्टूडेंट हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट्स फिजिक्स आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, या स्टूडेंट्स आप कॉमर्स के हैं, मैथ्स के हैं, कोई भी हैं, तो स्टूडेंट्स आपका कॉमन फिजिक्स केमिस्ट्री कॉमन रहने वाला है, ठीक है, मैथ्स वालों का। आर्ट्स कॉमर्स वाले भी स्टूडेंट्स यहां पर देखकर अपना सिलेबस का पैटर्न समझ सकते हैं। 50 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट से मिलेंगे लेकिन सॉल्व करना है 40 क्वेश्चन करना है, जिसमें स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होगा, तो स्टूडेंट्स इस हिसाब से 200 नंबर स्टूडेंट्स आपको एक सब्जेक्ट में मिलेंगे। वैसे स्टूडेंट्स बायोलॉजी भी आप देखो आपका जो मेन सब्जेक्ट होगा, तो स्टूडेंट्स 50 क्वेश्चन में से केवल 40 ही सॉल्व करना है, एक क्वेश्चन 5 नंबर के लिए होगा, यहाँ भी स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन जो आपका 5 नंबर के लिए होगा। ये तीन मेन सब्जेक्ट हैं। अब यदि स्टूडेंट्स आप और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज भरते हैं तो सब यूनिवर्सिटीज अलग अलग डिमांड करती है कि हमें ये सब्जेक्ट वाले बच्चों की डिमांड है, हम उन्हीं को एडमिशन देंगे। तो ये तीन डोमेन हो गए, साथ में स्टूडेंट्स फिर आप जो है ठीक है वो एडिशनल जो सब्जेक्ट रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, यदि ये रखते हैं तो स्टूडेंट्स आप सारी यूनिवर्सिटीज जो आप भरना चाह रहे हैं उसके लिए एलिजिबल हैं, और यदि नहीं रखते हैं तो फिर कुछ यूनिवर्सिटीज आपका सिर्फ PCM बस मांगेगी, PCB मांगेगी, ठीक है। इसके बाद में स्टूडेंट्स यदि आप सही करेंगे तो 5 नंबर, यदि स्टूडेंट्स क्वेश्चन को यदि आप गलत कर देते तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। 50 क्वेश्चन आए हैं, आपने 40 कर दिया है, बहुत अच्छी बात है, आपने सभी क्वेश्चन अटेंड किया क्योंकि 40 मैक्सिमम करना है। अब यदि आप आगे कर देते हैं 41, 42, 43, 44, ऐसे स्टूडेंट्स आप आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो स्टूडेंट्स यदि वो धोखे से गलत हो गया तो आपके नंबर काट लिए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मिलना तो आपको 40 में से है, ठीक है। तो जो आपके मनपसंद 50 क्वेश्चन में से 40 हैं आप उन्हीं को सॉल्व कीजिए। हाँ, कम करते हैं यदि 35 करते हैं, 30 करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितने सही करेंगे उसी के हिसाब से नंबर मिलेंगे, क्योंकि 40 में से स्टूडेंट्स 40 तो आपका मैक्सिमम है ये, ठीक है, कि इतने करना है आपको, इस हिसाब से आपकी रैंक ज़्यादा आएगी। अब आपको पता है कि भैया मेरे से केवल 35 क्वेश्चन सही हुए हैं, 5 क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, यदि आप उसमें गैस करते हैं, ठीक है, तो एक दो यदि सही हो गए तो 10 नंबर मिल जाएंगे, दो सही हो गए तो, यदि तीन गलत भी हो गए तो तीन ही नंबर कटेंगे ना, क्योंकि एक क्वेश्चन गलत करने पर एक नंबर कटता है, तो आप उन्हें भी सॉल्व कर सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट 40 क्वेश्चन करने की, आप फिर एक करो चाहे ठीक है 35 करो, 10 करो, 20 करो, वो अपने ऊपर है। यदि आप क्वेश्चन अटेंड नहीं करते हैं, जैसे 35 क्वेश्चन बने, 5 क्वेश्चन अटेंड नहीं करें, तो 5 के आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, 5 को ठीक है आप भूल जाइए, उसमें से आपकी मार्किंग नहीं होगी। यदि आप 30 क्वेश्चन करते हैं तो स्टूडेंट्स आपको 5 नंबर के हिसाब से 150 नंबर मिल जाएंगे एक सब्जेक्ट में 200 में से। 600 नंबर का पेपर है और क्वालिफाइंग के लिए स्टूडेंट्स आपको 350 प्लस तो लाना ही लाना है, जिससे स्टूडेंट्स आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स फिजिक्स के सिलेबस पर यदि हम बात करें तो स्टूडेंट्स आपको फिजिक्स में जो सिलेबस स्टूडेंट्स वो मैक्सिमम सिलेबस आपका ट्वेल्थ का है, जो ट्वेल्थ का सिलेबस स्टूडेंट्स आपका वो मैक्सिमम आपको यहाँ पर सीयूटी में देखने के लिए मिलेगा। लेकिन स्टूडेंट्स यदि इसका कोई संबंध, इसके किसी टॉपिक का संबंध यदि 11th क्लास से है तो स्टूडेंट्स उसको भी आपको देखना पड़ेगा, लेकिन मेन फोकस आपको 12th के सिलेबस में करना है, सिलेबस में करना है। लेकिन स्टूडेंट्स पेपर का जो स्टैंडर्ड लेवल है वो स्टूडेंट्स 12th प्लस एडवांस होगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, जैसे नीट का होता है, JEE का होता है, तो स्टूडेंट्स वैसे ही थोड़ा सा कम स्टूडेंट्स ये आपका लेवल माना जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स पेपर जो कंडक्ट कराया जाता है वो NTA के द्वारा कराया जाएगा।
तो स्टूडेंट्स नीट जेडब्ल्यूई का स्टूडेंट्स थोड़ा सा जो है ठीक है वो मीडियम लेवल यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन स्टूडेंट्स विदाउट कोचिंग आप इसे क्रैक नहीं कर पाएंगे क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है। 176 यूनिवर्सिटीज हैं स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स इसमें पूरे देश के मैक्सिमम कॉलेज आ रहे हैं, धीरे धीरे स्टूडेंट्स मैक्सिमम कॉलेज इसमें क्या हो रहे हैं इंक्लूड हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यूटी एक कॉमन एंट्रेंस हो गया है पूरे देश का, जिसके माध्यम से आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स फिजिक्स के सिलेबस में भी हम बात करेंगे तो आपको यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखने के लिए मिल जाएगा, ये उसमें आने वाले स्टूडेंट्स सभी टॉपिक हैं, इसको आप देख लीजिएगा। विद्युत आवेश उनका ठीक है संरक्षण, कूलॉम्स नियम ठीक है ये सब आपको देखने के लिए मिलेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी ये आपको देखने के लिए मिलेगा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म ये आपको स्टूडेंट्स देखने के लिए मिल जाएगा, जिसे स्टूडेंट्स हम लोग विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के नाम से जानते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट देखने के लिए मिल जाएगा, जिसे स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और स्टूडेंट्स वाहक कंडक्टर एम्पियर ये आपसे पेपर में पूछा जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद्युत चुंबकीय तरंगे स्टूडेंट्स आप लोगों को पेपर में आएगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से ऑप्टिक्स पेपर में पूछा जाएगा, जिसे स्टूडेंट्स हम लोग प्रकाशिकी के नाम से जानते हैं, ऑप्टिक्स आता है। तो स्टूडेंट्स ये देखिए सारे टॉपिक स्टूडेंट्स आपको फिर डेप्थ में मिलेंगे। इसके बाद में आप लोगों को स्टूडेंट्स यहाँ पर ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन पर आता है, एटमिक एंड स्टूडेंट्स न्यूक्लियस पर बेस्ड क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। पदार्थ और विकिरण की दोहरी प्रकृति स्टूडेंट्स परमाणु और नाभिक पर बेस्ड स्टूडेंट्स आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन सिस्टम पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और संचार प्रणाली जिसे हम लोग कहते हैं, और गेट, एन गेट, नॉट गेट ठीक है, NAND गेट ठीक है, ये सब स्टूडेंट्स आप लोगों को पढ़ना है। सिलेबस बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट्स आपका डिफरेंट है, क्योंकि स्टूडेंट्स ये सिलेबस कम है लेकिन स्टूडेंट्स इसका जो गहराई है वो बहुत ज्यादा है। स्टूडेंट्स आपका पेपर जो है वो डेप्थ में पूछा जाता है। इसके बाद में भी हम बात करेंगे स्टूडेंट्स आप लोगों से तो बायोलॉजी में आपका स्टूडेंट्स रिप्रोडक्शन पेपर में पूछा जाएगा, इसके जिसे हम लोग क्या कहते हैं जनन के नाम से जानते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपका जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन पर बेस्ड पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसे हम लोग आनुवांशिकी तथा विकास के नाम से जानते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपका बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर पर बेस्ड क्वेश्चन होता है, जिसे हम लोग जीव विज्ञान और मानव कल्याण के नाम से जानते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपका बायो टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स और इसकी एप्लीकेशन पर बेस्ड पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैव प्रौद्योगिकी और इसके अनुप्रयोग जिसे हम लोग कहते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, जिसे हम लोग पारिस्थितिकी और पर्यावरण के नाम से जानते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन आपसे पेपर में पूछा जाता है, जिसे हम लोग ठोस अवस्था और विलयन के नाम से जानते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री पेपर में पूछा जाता है, जिसे हम लोग विद्युत रसायन, रासायनिक बलगतिकी और स्टूडेंट्स इसे हम लोग ठीक है सेकंड यूनिट के साथ देखेंगे तो जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट आपका यहाँ से पूछा जाता है। पृष्ठ रसायन, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत इसे हम लोग कहते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट भी आएगा, डी ब्लॉक भी आएगा स्टूडेंट्स, ये देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट आपको आया है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपको उपसह संयोजन यौगिक, जिसे स्टूडेंट्स हम लोग कोऑर्डिनेशन के नाम से जानते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन आपसे पेपर में आता है, एल्कोहल, फिनॉल और इथर आपसे पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद में यदि हम बात करेंगे स्टूडेंट्स आपसे तो यहाँ पर आप लोगों को एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड पर बेस्ड क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ पर नाइट्रोजन अंतर्विष्ट कार्बनिक यौगिक पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद में आप लोगों को ऑर्मिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, बायोमोलिक्यूल और एलिमेंट्री आइडियाज पेपर में पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों का है सिलेबस, ये पॉलीमर स्टूडेंट्स और केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, ये स्टूडेंट्स टोटल टॉपिक आप लोगों के यहाँ पर समाप्त तो होते हैं। ये स्टूडेंट्स आप लोगों का पीसीबी वालों का सिलेबस है, और स्टूडेंट्स इसके साथ में भी आप फिर पीसीबी के साथ में भी आप स्टूडेंट्स हिंदी लेते हैं या स्टूडेंट्स आप यहाँ पर जो है ठीक है इंग्लिश लेते हैं तो स्टूडेंट्स उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कंप्यूटर लेते हैं तो स्टूडेंट्स उसके भी हमने जो है सिलेबस अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब पर, आप हमारी प्लेलिस्ट पर भी जाकर चेक कर सकते हैं या स्टूडेंट्स आप यूट्यूब पर सर्च करके भी हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यदि आप कोचिंग करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स CUT एग्जाम आपके 2 साल हो चुके हैं, लगातार हो रहा है। तो स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा सिलेक्शन CUT में साइंस जोन अकेडमी के माध्यम से विगत वर्षों में हो रहे हैं। यदि आप कोचिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आपकी ऑनलाइन कोचिंग होगी, जिसमें स्टूडेंट्स आप लोगों की डेली 3 घंटे की लाइव क्लासेस होगी। इसमें स्टूडेंट्स आपको पूरा कोर्स HD क्वालिटी में रिकॉर्डेड भी मिलेगा, जिसे आप कभी भी वॉच कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स इसमें आपको कोचिंग के नोट्स, कोचिंग के बुक्स, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, मॉडल क्वेश्चन पेपर, PYQ और स्टूडेंट्स डाउट सेशन क्लासेस, और जैसा आपका पेपर आता है वैसे स्टूडेंट्स आपके संडे टू संडे लाइव टेस्ट होते हैं। आपको स्टूडेंट्स मॉडल क्वेश्चन पेपर दे दिए जाते हैं, जिससे आप घर में प्रैक्टिस कर सकें। सभी सुविधाओं के साथ स्टूडेंट्स आपकी तैयारी करवाई जाती है ऑनलाइन। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे जरूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, मेरे मोबाइल नंबर
9407384042 पर। मिलेंगे स्टूडेंट्स फिर ऐसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।